हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या यूट्यूब पे से अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो चैनल बनाते हैं तो उनसे चैनल बनता नहीं है या वो बना नहीं पाते। तो ये वीडियो उनके लिए जो यूट्यूब पे चैनल बनते, तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह हम चैनल बना सकते हैं। सबसे पहले हमें हम जो चैनल बनाएंगे वो मोबाइल पे भी बना सकते हैं और पीसी पे भी बना। तो हम अब पहले पीसी पे ट्राई करेंगे, अगर आपको मोबाइल पे बनाना है तो मोबाइल पे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें यूट्यूब पे ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद हमें जो यूट्यूब पे साइड पे साइन इन का बटन है तो हम उसको क्लिक कर देना है साइन इन को। तो सबसे पहले हम साइन इन के बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। आप YouTube का चैनल बनाने के लिए हमें Gmail की आईडी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास Gmail की आईडी नहीं है तो आप एक नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास Gmail की आईडी है तो आप वही Gmail की आईडी लगा के साइन इन कर सकते हैं। मेरे पास Gmail की आईडी है तो मैं Gmail की आईडी से ही साइन इन करूँगा, ठीक है। सबसे पहले साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। हमने साइन इन कर लिया है। अब साइन इन करने के बाद इसी जो आइकन को क्लिक करेंगे, ठीक है, जो राइट साइड पर है, उसके बाद क्लिक करेंगे माई चैनल को। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये क्लिक हो गया है। अब जो ये नाम आ रहा है आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। अगर नहीं करना है तो क्रिएट अकाउंट करके इसको ओपन कर दिए। वर्किंग हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड दो सेकंड के अंदर ये चैनल बन जाएगा। तो करते हैं, देखिए हम अब हमारा चैनल बन चुका है, ठीक है। ये हमारा चैनल का वो है। तो अब इसकी हम सेटिंग करेंगे। ज़्यादातर ये होता है कि चैनल सब बना लेते हैं लेकिन सेटिंग कर नहीं पाते। तो बेसिकली हम इसकी सेटिंग करना सीखेंगे कि किस तरह हम चैनल को सेटिंग करें और एडसेंस अकाउंट को ऐड करें। कस्टम से चैनल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो हमारा आइकन है, किसी को पता नहीं होता कि किस तरह हम अपना आइकन चेंज कर सकते हैं या अपना जो, ठीक है। अब आइकन चेंज करने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है, ओके करने का। उसके बाद हम दूसरा विंडो खुलेगा, वो हमारा जीमेल आईडी के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर लिया, हम अपलोड कर देते हैं एक पिक्चर। आपके पास कोई भी पिक्चर हो, जो आपका लोगो हो वो पिक्चर, मेरे पास ये अभी अवेलेबल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद कुछ भी नहीं करना, जो भी सेटिंग करनी करो और वरना डन कर दो, ठीक है। डन होने के बाद थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगी अपलोड, ठीक है। ये हमारी जो चैनल के लोगो है ना वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको चैनल का नाम वगैरह भी चेंज करना है, कभी आपको सेटिंग करनी है, तो यहाँ से इसी तरह आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको ये नाम रखना है तो अभी ओके कर दें, ठीक है। ये ओके करने के बाद ये हमारा चैनल का एक रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी पिक्चर हमने रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ये जो थी चैनल की जो थोड़ी बहुत सेटिंग थी, अभी हम इसकी जो भी है प्राइवेसी सेटिंग करेंगे। ये हम क्लिक करेंगे ताकि आपको लाइक्स वगैरह ये जो प्राइवेट में रखना है ये सब प्राइवेट है, हम किसी को दिखाना ज़रूरी नहीं है। इसको सेव कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट स्टूडियो खोलना है, ये सेम टू सेम। अब क्रिएट स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एडसेंस का अकाउंट वगैरह सब ऐड करेंगे कि एडसेंस का अकाउंट वगैरह किस तरह ऐड होता है। ज़्यादातर ये होता है कि लोगों को एडसेंस का अकाउंट ऐड करना नहीं आता, तो एडसेंस का अकाउंट ऐड करें। उसके बाद हम, ठीक है, अब जो सबसे लास्ट में है क्रिएटर क्लासिक, जो भी है क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक है, इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ये सेटिंग आई है, इसको स्कैप कर देंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, स्कैप कर देना है। स्कैप करने के बाद ये हमारे पास विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अब ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पर आके एडवांस की सेटिंग के ऊपर आपको सेट करना है, आपकी कंट्री कौन सी है वो सेट करनी है, ठीक है। उसके बाद बाकी किसको, ये जो डिस्प्ले है, ये जो हमारे सब्सक्राइबर अकाउंट होते हैं वो डिस्प्ले दे या ना दे उसकी सेटिंग करनी है। मेरा ख्याल है कि आप उसको बंद कर दें, ठीक है। आपको डिस्प्ले देना ज़रूरी नहीं होता, उसको आप उसके बाद आप सेव कर दें, ठीक है। अभी हमारे पास ये सेव हो गया है, ठीक है। उसके बाद आप जो ब्रांडिंग करते हैं, जो नीचे नीचे हम हमारी वीडियो के ऊपर जो आप आ रहे होते हैं ना, वो वाटरमार्क है, आपको उसको वाटरमार्क एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी आपको वाटरमार्क एक सिलेक्ट कर लें। तो ये इसको ओके कर दिया मैंने, ठीक है। ओपन कर लिया, ठीक है। ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है, जो हमने सेलेक्ट किया है पिक्चर।
आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी मर्जी हो आपकी वो उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर सब्सक्राइबर की होती है जो नीचे आ रही होती है। ठीक है, अगर वो कोई भी आपको उस पर किसी ने भी क्लिक किया कर्सल को तो वो आपके चैनल के पास चला जाए, चैनल पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर सेटिंग है कि पूरी वीडियो पे देनी है, साथ में तो ज़्यादातर अच्छा है कि पूरी वीडियो पे आप दे दें। ठीक है, तो ये सेव कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे एडसेंस का अकाउंट, किस तरह ऐड करें हम अपने आईडी पे। ठीक है, वो जो सबसे बड़ा बात है ना, पैसे जहाँ से हमें कलेक्ट मिलते हैं वो एडसेंस से मिलते हैं, तो एडसेंस का अकाउंट किस तरह ऐड करें, तो हम सबसे पहले करेंगे एडसेंस का अकाउंट किस तरह ऐड करने के लिए। ठीक है, अब चैनल पे आ गए, यहाँ पर देखिए अब ये जो थोड़ी सी सेटिंग्स है कुछ खुली हुई है कुछ बंद है। ठीक है, हम वीडियो वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अब चैनल को ऐड करने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद आप देखें ये जो है हमारे इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। एक साल के अंदर हमें 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर लेके आना है, उसके बाद हमारी मोनेटाइजेशन ऑन होगी। लेकिन उससे पहले हम जो एडसेंस का अकाउंट जो है वो ऐड कर लेते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम इसका देना है स्टार्ट, स्टार्ट के बटन को क्लिक करना है। ये स्टार्ट के बटन को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये जो टर्म्स लिखी हुई है आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि ये भी हम आपके वीडियो बताते रहेंगे कि किस तरह इसकी पॉलिसी है, किस तरह चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट एडसेंस अकाउंट, ठीक है, एडसेंस अकाउंट के यहाँ पर क्लिक कर देना है ताकि वो रीडायरेक्ट कर देगा हमारे पास एडसेंस के अकाउंट के पास। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिर्फ कुछ भी नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट करने। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो भी आईडी हो, हम मेरे पास जो भी यो आईडी बनाई है मैं उसके ऊपर ही साइन इन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्लिक करेंगे साइन इन, क्योंकि हमने साइन इन किया हुआ है पहले से। अब ये साइन इन हो गया। अब ये जो आपकी आ रही है यूआरएल नंबर, जो ये यूआरएल वेबसाइट है, तो ये हमारी जो वेबसाइट का शो हो रहा है, तो हमारे पास वेबसाइट बनी है वो। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये जो है हमारा लिंक है, जो हमारी जो चैनल का है वो लिंक है, इसके ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसको कह देंगे गेट मोर एडवेंस, ये जो है ना इसको यस कर देंगे। ठीक है, तो इसको यस कर देना है। अब यस करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे आप किस कंट्री से। ठीक है, अब वो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे हम सिलेक्ट करेंगे इसकी जो पॉलिसी है, इसकी जो एग्रीमेंट है वो सही कराएगा, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यस करना है, यस करने के बाद उसको क्लियर कर देना है। अब ये देखें हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है ना गेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि न्यू अकाउंट बनाया तो ये पहले थोड़ी सी पॉलिसी होती है। अब हम अब सेटिंग करते हैं कि इस पर हमें क्या करना है। इस पर जो भी अभी नाम लेना है वो सही देना है, जो हमारे पास NIC का नंबर होगा जो उसके ऊपर देना है। ठीक है, इंडिविजुअल करना है क्योंकि हमें हमारा कोई बिजनेस नहीं है। उसके बाद हमें जल्दी जल्दी जो है ना अपने जो नाम है वो एड्रेस है वो मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट देना है जो आपका NIC के नंबर है, क्योंकि वो आपके घर के पास घर पे एक मेल भेजेंगे और एक लेटर भेजेंगे, लेटर के अंदर वो आपका एड्रेस वेरीफाइड करेंगे। ठीक है, जो आपका नाम हो वो ही रखिएगा। ठीक है, और अपना जो भी सिटी है और जो पोस्टल कोड है वो जो आपके नियरेस्ट जो भी पोस्ट होगी उसका नाम रखना है, उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रखना है, क्योंकि अगर ये आपने गलत रखा तो आपके जो एडसेंस से पैसे नहीं आएंगे और एडसेंस वेरीफाई नहीं होगा तो आपको अकाउंट से तो रीडायरेक्ट कर देना है, ताकि ये डायरेक्टली जो है ना यूट्यूब के पास यूट्यूब पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये टिक हो गया। ठीक है, अब ये करना है मोनेटाइजेशन ऑन करनी है तो ठीक है अप्लाई कर देना है। अब किस तरह की एड्स चाहिए, हमें सारे तरह की एड्स चाहिए। ठीक है, वो सारे इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब सेव हो जाएगा, ये हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है, सेव होने के बाद देखिए ये फ़ोन नंबर है वो जब आपके सब्सक्राइबर वगैरह अकाउंट हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे तो ये रिव्यू पे जाएगा चैनल, और रिव्यू के बाद ये ऑन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाएंगे इसकी सेटिंग करते हैं। अब देखिए कोई कुछ चीज़ें खुली हुई हैं कुछ चीज़ें ऑफ हैं, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमारा अपना मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना होता है, ताकि हमारी जो सिक्योर हो जाए और ये जो बाकी जो फीचर्स हैं वो भी हमारे पास अनेबल हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिर आपको एक मैसेज के जरिए एक कोड चाहिए या कॉल के जरिए चाहिए, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर वो कोड भेजेंगे। अब ठीक है, मैं कोड एंटर कर रहा हूँ कि उसी वक्त कुछ एक ही सेकंड के अंदर जैसे हम मोबाइल नंबर को ओके करते हैं एक कोड आ जाता है। ठीक है, इस कोड को लगाएंगे तो ये
वेरीफाइड हो जाएगा हमारा अकाउंट, ठीक है। ये देखें वेरीफाइड, आपका जो अकाउंट है वेरीफाइड हो गया है। आप इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद देखें ये हमारा अकाउंट जो है ना वेरीफाइड हो गया, और जो चीज़ें बंद थी वो सारी खुल गई हैं। जो ये लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो भी ये 24 आवर के अंदर आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी ऑन हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो फीचर्स हैं वो सारे ऑन हो चुके हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो ज़्यादा सब्सक्राइबर जैसे बढ़ते जाएंगे वो ऑन होते जाएंगे, ठीक है। वो फीचर बाद में ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। 100 सब्सक्राइबर के बाद आपको URL नंबर मिल जाता है, आपका एक नाम हो जाता है, ठीक है। या आपकी ID का पूरा, जैसे आप www.youtube/ आपकी जो इन्फोटैक जो इन्फो जो भी है वो नाम के साथ बन जाएगी, वो 100 सब्सक्राइबर के बाद होती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, मोनेटाइजेशन में जाके हमें चेक करना है कि हमारी जो कैटेगरी वगैरह जो है सेट करनी है, कि हमें किस टाइप की वीडियोस देना है, तो सारी हमें सेट करनी है, ठीक है। ये तो हमारा फ़ोन नंबर बाद में काउंट होता रहेगा, जैसे भी आप वीडियो देते रहेंगे और सब्सक्राइबर और व्यूज़ आते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काउंट होता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमें ये सेटिंग करनी है, ठीक है। अब ये प्राइवेट करना है, उसके बाद हमें किस कैटेगरी की वीडियो देनी है, नॉलेज की देनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के अंदर चली जाएगी। तो मैं एंटरटेनमेंट की दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये लाइसेंस है स्टैंडर्ड लाइसेंस, यूट्यूब लाइसेंस के पास क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ना मोनेटाइजेशन की जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करके उसकी जो फॉर्म्स हैं वो उसको एग्री करना है। सारे हमें एड्स चाहिए, ठीक है। जो भी आपको नहीं चाहिए स्टेबल, जो भी एड आपको नहीं चाहिए वो आप छोड़ दीजिए, जो आपको चाहिए वो रख दीजिए, ठीक है। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दी, उसके बाद आपने ओके कर दिया, ठीक है। ओके करने के बाद आपको ये सब कुछ सेट हो गया, आपको यस कर देना, सेव कर देना, ठीक है। अब ये आपका सेव हो चुका है, ठीक है। आपका अकाउंट बन चुका है, आपको अब जो भी वीडियो देनी है वो दे सकते हैं। आपको अगर सेटिंग में कोई चेंजिंग वगैरह करनी है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। अब ये अकाउंट हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है। वेरीफाइड होने के बाद अब हम वीडियो वगैरह अगर आपके पास है अभी जो आप डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो हम ये ऊपर जो बटन बटन है वो वहाँ से हम ओके कर सकते हैं। यहाँ पर एनालाइज है, वो हम जो बाद में देखेंगे कि किस तरह हम वीडियोज़ के एनालाइज करेंगे जो आएंगी। तो यहाँ पर देखिए अपलोड ना हो तो अपलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा ये आ गया। अब ये सिलेक्ट फाइल, तो फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके हमारा चैनल बन चुका है, हमने सिलेक्ट नहीं किया, हमारे पास कोई वीडियो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो चैनल है, आपका चैनल कुछ इस तरह दिखेगा, जो आपके पास वीडियो वगैरह होंगे वो अपलोड करेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चैनल के रिलेटेड, या आप, और अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।